करते हैं डिग्गी कल्याण धड़ी का लक्खी मेला। आज से प्रदेश भर में बड़ी संख्या में पदयात्राएं पहुंचेंगी डिग्गी। जयपुर से रवाना हो रहे 54वीं पदयात्रा तारकेश्वर मंदिर से कल्याण धड़ी की पदयात्रा, तो जयपुर से रवाना हो रही है ये पदयात्रा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पदयात्रा में लोग जो हैं वो नाच गा रहे हैं। और ये डिग्गी कल्याण धड़ी का मेला जो है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। और लक्खी मेला आज से है, डिग्गी कल्याण धड़ी का ये लक्खी मेला जो है इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। और इस मेले की अगर बात करें, डिग्गी कल्याण मेले की बात करें, तो इसका अपना अलग ही महत्व माना जाता है। तो तारकेश्वर मंदिर से कल्याण धड़ी की जो पदयात्रा है वो निकाली जा रही है। देखिए ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग नाच गा रहे हैं। यहाँ पर इस पदयात्रा की शुरुआत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं ये काफ़ी पुरानी परंपरा है जो हमेशा से चली आ रही है। तो आज डिग्गी कल्याण धड़ी का लक्खी मेला आज से ये शुरू है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि लोग नाचते गाते इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और नाचते गाते ये पदयात्रा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ जुड़ गई। मेघा, अगर बात करें डिग्गी यात्रा की, इस पदयात्रा की बात करें, तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? यहाँ पर लोगों का आना सिलसिला, जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। अभी 9 बज चुके हैं और काफ़ी जो श्रद्धालु हैं यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अब पदयात्रा जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। लोग झंडा लेकर यहाँ आते हैं और उसके बाद ये जो केसरिया झंडा है वो ले जाके पदयात्रा के दौरान, ये जो पदयात्रा होती है तारकेश्वर मंदिर से शुरू होती हुई सांगानेर जाती है, फागी होते हुए डिग्गी कल्याण जी पहुँचती है। हालांकि डिग्गी कल्याण जी जन जन आस्था का केंद्र है और माना जाता है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, वो सभी यहाँ पे खत्म हो जाती है जब आप डिग्गी कल्याण जी के दर्शन करने आते हैं। और सिर्फ जयपुर से ही नहीं, बहुत सारे लोग, आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे कि कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं। और ये जो यात्रा है आज से शुरू हो जाएगी और ये मेला यहाँ पे 54वां ये लक्खी मेला है जो आज से शुरुआत हो रही है। मेले में प्रदेश से यात्रियों का पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो कि आप देख रहे होंगे। लेकिन वहीं प्रशासन की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि किसी भी तरह की परेशानी किसी को नहीं हो। लाखों की संख्या में ये श्रद्धालु आते हैं और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है उसके को भी चाक चौबंद किया जाता है। कहा जाता है कि श्वेत संगमरमर की आदमकद प्रतिमा है और देवताओं से हुए युद्ध के बाद उन्हें डिग्गी कल्याण जी, जो कल्याण जी महाराज हैं, उन्हें वहां स्थापित किया गया था। डिग्गी कस्बे के कल्याण जी मंदिर में यहाँ सिर्फ आज ही नहीं, 54वीं लक्खी मेला है वैसे तो, और बरसों से ये परंपरा चली आ रही है जब लोग जो है पद यात्रा करते हैं और सावन के महीने में ये लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि सिर्फ पदयात्रा ही नहीं, लोग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ तक कल्याण जी मंदिर पहुँचते हैं तब तक इसी तरह ये यात्रा चलती रहती है। भजन गाते हैं, जोर शोर से नाचते हैं, डीजे की धुन पे नाचते हुए कल्याण जी महाराज के पहुँचते हैं। और सिर्फ ये भी कहा जाता है कि वहाँ जब शुरुआत से ये मेला लगना शुरू हुआ था या जब ये मूर्ति वहाँ स्थापित हुई थी कल्याण जी महाराज की, तब निसंतान दंपति हो, कुष्ठ रोग हो या किसी भी तरह की बीमारी हो, वहाँ आस्था इतनी है कि अगर आप मांगेंगे कि हमारी ये समस्या खत्म हो जाए तो वो समस्या खत्म हो जाती थी। और धीरे धीरे ये चमत्कार इतना बढ़ता चला गया कि ये पदयात्रा शुरू हो गई। और आप अभी ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि किस तरह महिलाएं जो हैं, आस्था इतनी प्रगाढ़ है,
चांदनी के लोग दंडवत यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर से ये जो दंडवत झुककर प्रणाम करते हुए लेटकर जाते हैं और डिक्की कल्याण जी तक इसी तरह से ये यात्रा चलती रहती है। और सिर्फ जयपुर ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि जयपुर से बाहर से भी लोग श्रद्धालु जो आते हैं कनक दंडवत करते हैं। बिल्कुल, मेघा तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। जो श्रद्धालु वहाँ पर आए हैं, मेघा आप उनसे भी बात कीजिए कि वो कहाँ से आए हैं और काफी ये पुरानी परंपरा मानी जा रही है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और इसके पीछे इतिहास भी काफी पुराना है और कहा जाता है कि यहाँ का जो राजा था उसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसके बाद से जो है जब उसने पूजा की और कल्याण जी महाराज की मूर्ति यहाँ पे मिले तब ये पता चला था। चलिए बात कर लेते हैं, आप कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आई हैं, कितनी आस्था है श्री जी की? कल्याण जी में हाँ। हर बार आती है? दो साल रुक गई जी बीच का मायन। अच्छा, आप तीसरी साल है? तीसरी साल है। कौन सी मनोकामना है जो आपकी पूरी हुई? सारी चवी तो बाबा सारी पूरी हुई। हाँ, बाबा की दुकान खुलाई मेरे बच्चा की। अच्छा, और इस बार क्या मनोकामना मारी आप कनक दंडवत जो है दंडवत करते हुए जा रही है? हाँ, बेटा का ये एक बेटा कमा रहा है, उसकी दुकान चल जाए भाई खूब अच्छी। देखिए तो चांदी, देखिए मनोकामना हर बार पूरी होती है और इसीलिए ये जाती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से अलवर। पाँच वर्ष हो गया। पाँच सालों से आ रहे हैं। क्या कुछ खास आपने देखा इन पाँच सालों? अपने धंधा पानी बढ़िया चले, बच्चों में सुख शांति रहनी थी, बाबा की कृपा रहनी थी और घर में सुख शांति रहनी थी। अच्छा, किसी तरह की अव्यवस्था आपको कभी नजर आई पाँच सालों में? नहीं, कोई नजर नहीं। बहुत बढ़िया हमारा प्रवेश हुआ बाबा के जाने से, तो हम जिस कारण बाबा की कांकरी खोदने के जाने उस कारण था। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आंधी से रायपुर से आएंगे, जमा रामगढ़ तहसील से। और क्या कुछ मनोकामना लेकर आए हैं? खूब मनोकामना होती है हमारी, तो मेरे को 23वीं बार जा रहा हूँ मैं। कहाँ से होती हुई यात्रा? ताड़केश्वर से शुरू होगी और हर बार जो होती है, हर साल पहली बार जा रहे हो? नहीं, मैं तो 23वीं बार जा रहा हूँ, गांव से आता हूँ यहाँ आकर। तो ये जो यात्रा होती है कहाँ से होती हुई डिक्की कल्याण जी पहुँचती है ताड़केश्वर मंदिर से? ताड़केश्वर मधुरामपुरा रुकेगी, रेणवा रुकेगी, पागी रुकेगी, चौंसला में रुकेगी और डिग्गी डाम पहुंचेगी। बिल्कुल, तो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए, फागी होते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये होते हुए और ये फिर कल्याण जी महाराज तक पहुंचती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सांगानेर से आ रहा हूँ। सांगानेर से? और कितने सालों से? मैं 10 साल से। 10 साल से आ रहे हैं। पहले गणेश जी रिद्धि सिद्धि की सफेद चूहों की सेवा लेकर आया करता, अब मेरे पास बिल्ली बिलाव राधा वल्लभ लाल और राधा रानी है, उनकी सेवा करता हूँ और मुझे इतना आनंद, भगवान साक्षी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। वो जीव जो पशु पक्षी बोलते ठाकुर जी की सेवा है, वो ठाकुर जी आते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो ठाकुर जी का उसमें भगवान जरूर आते, किसी रूप में पहचान नहीं सकता वो भी। और 2 पेज रामायण के, मेरी रामायण 1.25 साल में जाके पूरी होगी। अनुभव कब से होना शुरू हुआ? ये मुझे 2002 से। कल्याण जी महाराज के दर्शन हुए कभी? हाँ। हाँ जी। अच्छा, आपकी कौन कौन सी ऐसी मनोकामनाएं थी जो पूरी हो? मेरी सब मनोकामना, एक भाली बच्चे का ब्याह नहीं हुआ, सब काम पूरी हो रही है अभी तक। इतिहास पता है कल्याण जी महाराज का क्या कुछ रहा है? कैसे मतलब भगवान ये पानी के अंदर पत्थरशिला बह के गई थी, वहीं जाके जगह रुकी, वहीं श्री कल्याण जी का मंदिर बन गया था और चोरों को भी पकड़ा कल्याण रानी, उनको रोक दिया गया। बिल्कुल, मेघा तस्वीरों में भी हम देख पा, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर मौजूद है और इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो डिक्की कल्याण जी की अगर बात करें तो लोगों में काफी आस्था है और देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है, ताड़केश्वर मंदिर से इसकी शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर जयकारे भी लगाए जा रहे हैं और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इस यात्रा में पहुंचे हैं। इस पदयात्रा की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस यात्रा को देखते हुए, इस पदयात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ताड़केश्वर मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और देखिए दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर नाचते गाते हुए नज़र आ रहे हैं, झूमते हुए नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे करके इस यात्रा की बात करें तो ये यात्रा आगे बढ़ेगी और 3 दिन तक ये पदयात्रा चलती है।
और डिक्की जी कल्याण की बात करें तो यहाँ पर इस पदयात्रा की बात करें तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। तो डिग्गी कल्याण जी की यात्रा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।